ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। खबरों की शुरुआत पट्टी इलाके खबर से करते हैं, जहां आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के ढकवा बाजार पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इसके बाद वह पूर्व प्रधान सोनापुर राजेश यादव के नगर पंचायत ढकवा स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने रामचरितमानस और अखिलेश के शूद्र समेत अन्य बयानों के पीछे भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा विहीन बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से वह पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने एक बार फिर कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वह उनका निजी बयान है। वहीं ओबीसी आरक्षण पर कहा कि हमें भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जो फैसला होगा वह मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान से भी उन्होंने इत्तेफाक रखा और कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है वही मेरा भी बयान है। कार्यक्रम में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अभिनाथ यादव के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां बागराय के रोर में हुई घटना को लेकर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने किया सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी और सपा पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि बागराय के रोर में हुई प्रधान प्रतिनिधि के बेटे विशाल पांडे की 25 जनवरी की मौत मामले में राजा भैया का नाम सामने आने के बाद जनसत्ता दल ने प्रताप सदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बता दें कि प्रयागराज से लौटते समय बाइक सवार की 25 जनवरी की रात को हत्या कर दी गई। इस मामले में कई दिनों तक बागराय में बवाल चला। पीड़ित पक्ष से कुछ लोगों ने जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हत्या करवाने का आरोप लगाया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लग रहे आरोपों को देखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रताप सदन में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद सरोज ने कहा कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर जो आरोप लग रहे हैं वह बेबुनियाद है। इस मामले में पूर्व प्रधान समेत 3 लोग अब तक जेल जा चुके हैं, अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार परिजन मांग कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां न्याय के लिए प्रदर्शन करने का एक अनोखा तरीका सामने आया है, जिसमें धोखाधड़ी के शिकार हुई बुजुर्ग महिला को ठेली पर बैठाकर पूरे शहर में भ्रमण कराया गया और अधिकारियों से न्याय की मांग की गई है। वहीं आला अधिकारियों ने बताया कि मामले में कमेटी का गठन किया गया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रानीगंज कोतवाली इलाके के सोतीपुर गांव की रहने वाली 95 वर्षीय संतरा देवी का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले लल्ला का बेटा दवा के बहाने लाकर धोखाधड़ी करते हुए गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी 16 वर्षीय जमीन का बैनामा करा लिया। मामले की शिकायत लेकर पीड़िता रानीगंज तहसील से लेकर प्रतापगढ़ के अधिकारियों के चौखट का चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद धोखाधड़ी का शिकार हुई अनारा की बेटी संतरा धोखाधड़ी के आरोपियों और गवाही देने वाले लोगों का एक बैनर बनवाया और उसे ठेले पर लगवाते हुए अपनी बुजुर्ग माँ को उस पर बैठा कर प्रतापगढ़ शहर का चक्कर लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं न्याय के लिए निकला ले गए अनोखे जुलूस की जानकारी होने के बाद अब पूरे मामले में कमेटी गठित करके एक टीम बनाते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश पटेल ने बताया कि एक टीम बनाई गई है और पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और पीड़िता को न्याय मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भाजपा ने निकाली विधायक के पुतले की शव यात्रा। बता दें कि रामचरितमानस की चौपाई को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद रानीगंज विधायक की टिप्पणी से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने विधायक के पुतले की शव यात्रा निकालकर चौक के पास उसका दहन किया। इस दौरान कई अन्य संगठनों ने भी इसका विरोध जताया। बता दें कि भाजपा कार्यालय से जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधायक के पुतले की शव यात्रा लेकर चौक पहुंचे। चौक में विधायक के विरोध में नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह ने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इससे पूरा हिंदू समाज आहत है और ऐसे में कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर अब अधिवक्ता भी सामने आ गए हैं। जिला कचहरी में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया और डीएमएसपी को कार्यालय में ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि इसके पूर्व जूनियर बार एसोसिएशन कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें वक्ताओं ने रामचरितमानस और उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और रानीगंज विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के बयान की निंदा की। सर्वसम्मत से न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव की प्रति जिला जज कार्यालय में भी सौंपा गया। बाद में नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर आर के वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई।